जाटव जी नया गांव के हवेली वाले हैं और आज हम आपको भारत के चार धाम में से एक धाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आपने सिर्फ नाम ही सुना होगा और वो धाम है जिस प्रकार चार दिशाएं होती हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उसी प्रकार भारत के चार धाम हैं। मैं सर्वप्रथम पहले आया हूँ जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य के पुरी जिला के अंदर कृष्ण भगवान और उनके भाई और उनके बहन साथ में हैं तीनों एक मंदिर के अंदर जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का अर्थ है जगत के स्वामी जगत के नाथ जो पूरे जगत का भरण पोषण करते हैं ख्याल रखते हैं उन्हें जगन्नाथ कहते हैं इसलिए इस मंदिर का नाम जगन्नाथपुरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों आप नहीं आए हो तो हमारे द्वारा आपको बता दिया जा रहा है जगन्नाथपुरी। इस मंदिर में आपको आने के पहले यहाँ एक निशुल्क जूता चप्पल वाला सेंटर है वहाँ जूता चप्पल रख सकते हो और मोबाइल भी निशुल्क रख सकते हो। यहाँ खाना पीना भी मिलता है। आप सर्वप्रथम श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करिएगा उसके बाद फिर मंदिर घूमिएगा। ठीक है दोस्तों आपने दर्शन कर लिए हो तो आप किसी दूसरे को करवाइए। ठीक है भाई हम मनमोद जाटव जी नया गांव के हवेली वाले आपका धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त मनमोद जाटव जी नया गांव के हवेली वाले आपका धन्यवाद करते हैं। ठीक है भाई हम मनमोद जाटव जी नया गांव के हवेली वाले हैं और अभी अभी हमने आपको बताया भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करवाए जो चार धाम में से एक धाम है पूर्व दिशा में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में। उसके बाद में मैं इधर आया हूँ जगन्नाथपुरी बीच समुद्र देव जगन्नाथपुरी बीच। कभी भी आप यहाँ आइएगा तो मंदिर के बाद समुद्र बीच जरूर आइएगा। ठीक है भाई यहाँ पर ऊँटों की सवारी भी की जाती है जिसका एक व्यक्ति का 100 रुपये लगता है एक व्यक्ति का 100 रुपये लगता है। आप अच्छे से मंजे से जितना बीच है उतना तक घुमाएगा ऊँट वाला। मैंने भी किया सवारी ऊँट का। ठीक है भाई बहुत ही अच्छा नज़ारा है ठंडी ठंडी हवाएं हैं। पहला मेरा समुद्र बीच था मुंबई हाजी अली दरगाह दूसरा था गोवा और तीसरा था विशाखापट्टनम और चौथा था कन्याकुमारी बीच और अब ये पांचवा जगन्नाथपुरी बीच। ठीक है दोस्तों मैं आपका दोस्त मनमोद जाटव जी नया गांव के हवेली वाले हैं
यदि आपने दर्शन कर लिए हो तो आप किसी और को करवाइएगा, आपका भला होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वेरी गुड।